समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। नरेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम के चुनाव और 544 टाउन एरिया, 200 नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी हर जगह अपना साइकिल सिंबल से प्रत्याशी उतारा है। जो उत्साह है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उससे साफ साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसी से समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनके दो मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश जी ने अभी तक प्रचार ही नहीं शुरू किया। अखिलेश जी प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं का विचार हम दे भी रहे हैं। और जो जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ बोलने के अलावा भाजपा में कुछ है ही नहीं। अखिलेश जी प्रचार के लिए उतरेंगे? अखिलेश जी के ही विचार हम लोग हैं, अखिलेश जी के ही सिद्धांत हैं, अखिलेश जी की पार्टी मुलायम सिंह जी के विचारों को लेकर हम लोग लगातार चल रहे हैं और उसी से ये दिखा रहा है कि अखिलेश जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक दो दिन में अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, क्या समाजवादी पार्टी भी कुछ घोषणा पत्र कोई जारी करे? पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में घोषणा पत्र जारी किया, उत्तर प्रदेश में दोबारा घोषणा पत्र जारी कर किया, लेकिन वह पूरा का पूरा घोषणा पत्र थोथा है, एकदम झूठा है। उन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, महंगाई लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर शून्य है। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगुना करेंगे, किसान को लागत से डोड़ा देंगे, लेकिन किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। कुटीर उद्योग की हालत बीजेपी के ज़माने में बहुत ख़राब है, छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग बेहद परेशान हैं। पूरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने चौपट की है। गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई है। एक तरफ पैसा ऊपर बढ़ता जा रहा है और नीचे का आदमी गरीब होता जा रहा है। बीजेपी यही दोहरे चरित्र की पार्टी है, इसीलिए बीजेपी को इस बार हटना तय है। इसीलिए आप लोग घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे? हमारा घोषणा पत्र, हमारी अपील आपके मीडिया के माध्यम से आपने दिखाया भी है, हमारी अपील पूरी छपी थी और जो अखिलेश यादव जी का संकल्प है उन्होंने अपना जारी कर दिया है। बीजेपी ने उसी दिन कहा था, लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी कर दे, फिर उसके बाद हम करेंगे। लेकिन इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। इस प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने केवल वादा खिलाफी किया है। अच्छा, अकलियत के लोग माना जाता है कि अखिलेश यादव जी के साथ रहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। मायावती ने 17 में से 11 मेयर सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, इससे क्या लगता है कि कितना नुकसान हो? देखिए, समाजवादी पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करती है, इसलिए 17 नगर निगम में समाजवादी पार्टी ने सभी धर्मों का, सभी वर्गों का साथ लेकर के सभी धर्मों के लोगों के, सभी वर्गों के लोगों को अपने नगर निगम का प्रत्याशी बनाया है। और अगर 17 के बाद 544 टाउन एरिया और 200 नगर पालिका हैं, उनमें समाजवादी पार्टी ने सभी धर्मों, सभी जातियों को सामंजस्य बनाया है और सामंजस्य बनाकर चुनाव में उतारा है। बीजेपी के तरीके से झूठी बात हम लोग नहीं करते। वोटों का बंटवारा किसी भी सूरत पर, किसी भी वोट का बंटवारा नहीं होगा और ये चुनाव गरीबी और अमीरी के बीच में होगा। और वादा खिलाफी बीजेपी ने की है, उसका हश्र उनको बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अंतिम सवाल है कि क्या ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये 2024 का संकेत देंगे? निश्चित रूप से देंगे, ये 2024 के लिए पूरा का पूरा संकेत देंगे और पूरे देश में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से भी हटेगी। बिल्कुल, ये प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो कि ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठे वादे करती है, इस बार भी उसने लोगों से झूठे वादे किए हैं, इस वजह से लोग उनको नकारेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना संकल्प पत्र जारी नहीं कर पाई है। एक और खास बात उन्होंने कही है कि मायावती द्वारा 17 मेयर सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट देने के बावजूद मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा नहीं होगा, पूरा समुदाय जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, इस तरीके का दावा नरेश उत्तम पटेल की तरफ से किया गया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।